हेलो बच्चों, मैं हूँ अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। इससे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक पार्ट 3 में कुछ कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखे हैं। अब आगे हम कुछ बचे हुए और भी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे ताकि आपका कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो अगला ये रेडिकल है, सल्फेट रेडिकल SO4-2। अब इसमें देखिए, ये सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सल्फर के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो 4 एटम्स अटैच्ड हैं। और प्लस अब देखिए कि 4 एटम्स अटैच्ड हैं और अब सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे। तो जरा देखिए कि सल्फर किस ग्रुप का है, तो सल्फर 16th ग्रुप का है, 16th ग्रुप, वही ऑक्सीजन वाला ग्रुप, 16th ग्रुप, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16th ग्रुप है, तो देखो 16th ग्रुप है तो वो हो जाएगा 16th ग्रुप का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। और यहाँ -2 है इस पर लगा हुआ, इसका मतलब कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। भले ही ये गेन कोई भी किया हो, लेकिन चूंकि हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालते हैं, इसलिए जो भी यहाँ चार्ज रहता है, अगर प्लस चार्ज रहेगा जितना, अगर +2 रहता तो हम सल्फर में से घटा देते, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देते, -2 है तो सल्फर में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो सल्फर के पास अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले से 6 थे और ये अब 2 ऐड हुआ, तो ये हो गया 6+2 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 8 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो जरा सोचिए, आप ऑक्सीजन जान रहे हैं, आप पहले से जान रहे हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो 4 एटम्स जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो 4 2 8, ऑल द 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर विल गेट कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने में 8 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड हो जाएंगे, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड हो जाएंगे। ये मत सोचना कि सल्फर के पास 6 ही है, क्यों, इसलिए कि यहाँ -2 चार्ज जो है, कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिले हैं ना, तो वो जो मिले हैं तो 6+2 8 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑल द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर हैव बीन यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन SO4 इन सल्फर, नो इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद सल्फर। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब बचता ही नहीं है, मतलब 0 बचा, सल्फर के पास 0 इलेक्ट्रॉन बचा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लोन पेयर हो गया 0, तो ये 4+0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड कितने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 4। और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3, s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सल्फेट रेडिकल में सल्फर का। अगला देखते हैं sf6 है, sf6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड sf6। अब देखिए कि सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो 6 एटम्स अटैच्ड हैं। और फिर देखिए कि सल्फर के साथ 6 एटम्स अटैच्ड हैं, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो अभी देखे हैं कि सल्फर 16th ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सल्फर के साथ हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हैलोजन होता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर के साथ ये फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये बना लिया 3 और 3 6, तो मतलब ऑल द सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर हैव बीन यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग बचते कितने हैं, 0, तो इसके पेयर्स कितने बनेंगे, लोन पेयर कितने बनेंगे, तो 0
जीरो बाई टू जीरो, तो ये हो गया सिक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हुए सिक्स, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस का वन, पी का थ्री और डी का टू, एस पी थ्री डी टू, तीन और एक चार और दो छः। तो ये हो गया एस एफ सिक्स में सल्फर का हो गया, क्या हो गया एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ सल्फेट में क्या हो गया, जब फोर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं तो इसके लिए एस पी थ्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं बचा, अच्छी बात है। अब आप सीख गए होंगे और मुझे लगता है कि अब फर्दर जो भी हैं उनको आप निकाल सकते हैं खुद भी। देखिए आई एफ सेवन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है, आई एफ सेवन। देखो आयोडीन क्या है, हैलोजन है, हैलोजन। इसके साथ कितने फ्लोरीन भी हैलोजन है, कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं, यही सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, सेवन। और आप जानते हैं कि आयोडीन के साथ, आयोडीन भी हैलोजन ही है, फ्लोरीन भी हैलोजन ही है, तो हैलोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो आयोडीन के पास जो सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कंज्यूम्ड है। आई एफ सेवन आयोडीन सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, तो सेवन। अब सेवन अटैच्ड है प्लस लोन पेयर निकालेंगे तो देख लो कि आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि किस ग्रुप का है, सेवनटीन्थ ग्रुप का है, सेवनटीन्थ ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन, और सात फ्लोरीन के सेवन एटम्स बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सात के सात यूज्ड हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बचा जीरो। तो लोन पेयर कितना हुआ, जीरो बाई टू, ये हो गया सेवन। अब देख लो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए सेवन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गए सेवन, तो सेवन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी थ्री डी थ्री, एस पी थ्री डी थ्री। देख लो थ्री ऑर्बिटल्स डी के, थ्री पी के और वन एस का, तो एस पी थ्री डी थ्री आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है। अगला देखते हैं सी एच फोर है, देखो सी एच फोर। अब यहाँ देखते हैं सी एच फोर सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, तो फोर हैं एटम्स अटैच्ड। कार्बन किस ग्रुप का है, फोर्टीन्थ ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर होंगे, और फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और चार हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के फोर एटम्स जुड़े हुए हैं, तो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, तो लोन अब बचा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा जीरो, तो उससे लोन पेयर निकालेंगे तो जीरो बाई टू, तो ये हो गया फोर और प्लस जीरो फोर हो गया। तो नंबर ये फोर क्या आया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, क्यों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड के लिए हम लोग करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेंट्रल एटम के साथ फोर एटम्स अटैच्ड हैं और लोन पेयर तो कुछ बचा नहीं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फोर, और फोर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री। तो इस तरह से आप ये सीख लिए होंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, अगला एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है जेनन ट्राईऑक्साइड एक्स ई ओ थ्री इनर्ट गैस, याद कीजिए हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन, जेनन जिसका एटमिक नंबर 54 होता है, और ये किस ग्रुप में है, इनर्ट गैस, सारे के सारे इनर्ट गैसेस 18th ग्रुप में है, तो 18th ग्रुप में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं इसका, तो देखिए
सेंट्रल एटम तो यही जेनन है, सेंट्रल एटम के साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, तो 3 अटैच्ड हैं और प्लस। अब देखिए कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो 3 2 जा, और डबल बॉन्ड बनाने में एक डबल बॉन्ड बनाने में जैसे जेनन, जेनन एक डबल बॉन्ड बनाया तो जेनन का 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, दूसरा डबल बॉन्ड बनाया तो जेनन का 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, तीसरा डबल बॉन्ड बनाया जेनन तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए और बचे कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, तो लोन पेयर इससे कितने बनेंगे, तो 2/2। पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितने जोड़े, कितने पेयर्स, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 पेयर्स। तो ये हो गया 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये 4 क्या निकला, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड निकला। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 हैं तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। अगला देखते हैं, समझ गए होंगे। अब अगला एग्जांपल पर आते हैं, जैसे जेनन टेट्राफ्लोराइड है, xef4। अब आप देखिए जेनन, अभी याद कीजिए जेनन 18th ग्रुप में पाया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, सेंट्रल एटम का ही निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, जेनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सेंट्रल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, ये पहला काम, कितने, तो 4। अब देखिए कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा जेनन का, और फ्लोरीन के 4 एटम्स हैं, तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स खर्च होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स खर्च होंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 2, तो ये हो गया 4 + 2 = 6। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड 6 है, और 6 के लिए जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड 6, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब xeof4 जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड xeof4। क्लियर है कि जेनन 18th ग्रुप का है। अब देखिए जेनन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जेनन, इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच्ड हैं, तो 4 और 1 5, 5 एटम्स अटैच्ड हैं। और अब देखिए कि लोन पेयर कितने बचे, तो जरा सोच लीजिए, एक ऑक्सीजन है, तो जेनन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, या ऑक्सीजन जेनन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसके अलावा क्या होगा, फ्लोरीन के 4 एटम्स हैं, तो फ्लोरीन के 4 एटम्स। तो अब देखिए ये 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए जेनन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खर्च हुए, और 2 इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड को बनाने में खर्च हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो गए। और जेनन 18th ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जेनन के पास 8 में से 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो चुके, तो बचे कितने, 2 बचे, और 2 का कितना लोन पेयर, तो 2/2, तो ये हो गया 5, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मतलब लोन पेयर हो गया 1 और 5 है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हो गया 6, और 6 के लिए देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2। तो कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, नहीं, ओके, थैंक यू। अब आगे आप और भी बनाएंगे, जो भी बाकी है उनका भी बनाएंगे, बन जाएगा।